गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट में नीरज कुमार शर्मा, गणित का अध्यापक। एक आज हम चल रहे हैं एक चर वाली रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक दो पॉइंट एक। पहला सवाल इस प्रकार से है, देखिए पहला सवाल, एक्स माइनस दो बराबर सात, एक्स माइनस टू बराबर सात। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें चर और अचर दो चीजें होती हैं। ये एक्स वाई जेड जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं ये सब चर कहलाएंगे, और जितने भी अंकगणित के अक्षर हैं ये सब अचर कहलाएंगे। बराबर के चिन्ह के एक तरफ चर, दूसरी तरफ अचर रखा जाता है। यहाँ हम मान लें जब दाएं पक्ष के अंदर अगर हम अचर रखते हैं तो बाएं पक्ष में चर रखेंगे, यदि बाएं पक्ष में अचर रखते हैं तो दाएं पक्ष में चर रखेंगे। अब इसमें यदि कोई एक दूसरे के अलग पक्ष में है तो उसको हम पक्षांतरण कर देंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे यहां पर पक्षांतरण करने का, एक्स बराबर ये दो हो जाएगा तो फाइव हो जाएगा प्लस एक्स बराबर नौ, ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल वाई प्लस तीन बराबर दस, y प्लस तीन बराबर दस, दस एक अचर है तीन भी एक अचर है, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करना। y अपनी जगह पर रह जाएगा, दस अपनी जगह पर रह जाएगा, तीन उधर जाएगा तो y बराबर कितना आ गया सात। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर तीन, छह बराबर जेड प्लस दो, छ बराबर जेड प्लस दो पक्षांतरण कर लेंगे। अब यहां पर जेड इधर लेने दीजिए, छ माइनस दो बराबर जेड, चार बराबर जेड। इसी क्रम में हमारा चौथा प्रश्न, तीन बटा सात प्लस एक्स, तीन बटा हुआ सात प्लस एक्स बराबर सत्रह बटा हुआ सात। यहां पे क्या करेंगे अपन, वही पक्षांतरण कर देंगे। एक्स अपनी जगह पर रहेगा, सत्रह बटा हुआ सात माइनस तीन बटा हुआ सात, एक्स बराबर सत्रह माइनस तीन बटा हुआ सात, एक्स बराबर सत्रह में तीन गए तो क्या बन गया चौदह बटा हुआ सात, एक्स बराबर क्या गया दो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बच्चों ध्यान दें, इधर यह आपका चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न, छह एक्स बराबर बारह, छह एक्स बराबर बारह। यहां चर और अचर दोनों गुणन के रूप में है, यहां चर और अचर दोनों गुणन के रूप में है। चर का मान ज्ञात करने के लिए इस अचर का इस अचर में भाग दे देंगे, यानी कि x बराबर बारह बटा हुआ छह, x बराबर क्या आ गया तो दो। इसी क्रम में हमारा छठा सवाल, टी बटा हुआ पांच बराबर दस, टी बटा हुआ पांच बराबर दस, ये हो गया। यहां करेंगे वज्र गुणा, क्या करेंगे वज्र गुणा करना, इसको करेंगे इससे गुणा और इसको करेंगे इससे गुणा, टी बराबर पचास। इसी क्रम में हमारा सातवां सवाल,
दो बटा वो तीन एक्स बराबर 18। दो बटावर तीन एक्स बराबर 18, एक्स बराबर 18 इंटू तीन बटावर दो, दो सिंह 18, दो नाम 18 और नौ किया 27, एक्स बराबर 27। एक आठवां सवाल 1.6 बराबर वाई बटा हुआ 1.5, वही पंच गुण कर दिया। करने 1.5 को इससे गुणा करेंगे 1.6 से बराबर 15 6 90 की 0 हासिल के 9 15 9 24, एक रेंज दो संख्या पॉइंट लगा देंगे 2.40 वाई को। इसी क्रम में हमारा नौवां सवाल, सात एक्स माइनस नौ बराबर 16, सात एक्स माइनस नौ बराबर 16। पहले करेंगे हम यहां पर पक्षांतर, सात एक्स बराबर 16 प्लस 9, सात एक्स बराबर 25 और एक्स बराबर आएगा 25 बटावा 7। दसवां सवाल, चौदह वाई माइनस आठ बराबर 13, सबसे पहले करेंगे वही पक्षांतर, चौदह वाई अपनी जगह पर रहेगा, 13 अपनी जगह पर है, आठ दो सुल जाएंगे तो काय मिल जाएंगे प्लस 21, y बराबर 21 बटा 14, y बराबर 7 7 दूनी 14। ये हमारे 10 सवाल हो गए। 11वां सवाल, सत्रह प्लस 6 क्यूब बराबर 9, 17 प्लस 6p बराबर 9, पक्षांतर करना पड़ा, 6 भी अपनी जगह पर रहेगा, 9 भी अपनी जगह पर रहेगा, 17 इधर चल जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, 6 भी बराबर माइनस का 8, पी बराबर माइनस 8 सवा 6 और पी बराबर माइनस का 2 जो 8 कर दिया, माइनस का 4 उठावा। 12वां सवाल, एक्स बटा हुआ 3 प्लस 1 बराबर 7 बटा हुआ 15, सबसे पहले वही करेंगे अपन पक्षांतरण करने का, एक्स बटा हुआ 3 बराबर 7 बटा हुआ 15 माइनस 6, इसको कर देंगे पहले हल, या एक काम कीजिए आप इसका लेसे ले लीजिए, 15 लेसे आ जाएगा, 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 5x बराबर
पंद्रह एकम पंद्रह और माइनस के पंद्रह पाँच एक्स बराबर माइनस का आठ और एक्स बराबर माइनस का आठ बटा पाँच। इस प्रकार से बच्चों हमारा 2.1 समाप्त हुआ, जिसके सभी प्रश्नों को हमने आपके सामने हल कर दिया है। आपको करना क्या है, कल हम 2.2 शुरू करें, उससे पूर्व आपको इन सभी प्रश्नों को हल करके देखना है। कोई सवाल नहीं आता है तो आपको मुझसे पूछना है। तब तक और इन सभी प्रश्नों को आपको अपने अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत यानी कि गणित की कॉपी में करके लाना है और मुझसे चेक कराना है। तब तक के लिए बच्चों बाय, गुड बाय, थैंक यू।